मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया और इससे पहले हनुमान जयंती भी मनाई गई, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान रेणु वैश एवं डॉक्टर शिवराज वैश से परिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि भक्त बनो तो हनुमान जैसा, जिन्होंने हर दुख सुख में प्रभु श्री राम जी का साथ दिया और अंतिम क्षणों तक प्रभु की सेवा में लगे रहे। वहीं उन्होंने कहा कि आज ऐसे भक्त की कल्पना करना भी मुश्किल है जिसने राम को अपने हृदय में बसा लिया। इस अवसर पर श्रीकंठ जज, विनोद मरवाहा, संजीव सौंधी, रविंद्र बांसल, विक्रम भसीन, राकेश प्रभाकर, एडवोकेट राजकुमार, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, रोहित बहल, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, प्रदीप, मोहित बहल, रोहित भाटिया, रॉकी, डॉक्टर गुप्ता, राजेंद्र सहगल, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। प्रेम रस से तृप्त होकर वंदना हम नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर। बोलिए यज्ञ स्वरूप महाराज की जय। जिथे खड़े हैं सज्जा हाथ राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड तीन प्रगमियां लड़ी अपने नाल। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम कर अज मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी के नज़दीक स्थित है, मां के भव्य मंदिर के अज सप्ताहिक जिहड़ा श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिस बहुत दूरों दूरों आ के संगतां ने अरदास बेनती की है और मां के दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं इस दे नाल नाल दसना चाहना कि 28 अप्रैल दिन शुक्रवार को मां बगलामुखी जयंती का एक बहुत विशाल महोत्सव मनाया जा रहा। कारबद्ध प्रार्थना है सारे सेवादारों वालों समूह वालों कि आप पहुँचो, अपने परिवार समेत मित्रगण संबंधियों के नाल आओ, दाती दे दरबार से नतमस्तक होवो। सवेर तो ही उस दिन लगातार शुरू हो जाएगा जिहड़ा प्रोग्राम है भजन कीर्तन का भी और लंगर भंडारे का भी। सारा दिन अतुट लंगर वरतेगा, इस दे नाल नाल जिहड़ा गायन है कीर्तन है महामाई दे लई वह बहुत सारिया अलग अलग तरह दी पार्टियां आ के दरबार के उत्ते गुणगान करनगियां। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुंच के दाती दे दरबार ते दर्शन दीदार करो और महामाई दा आशीर्वाद प्राप्त। मैं सहारनपुर से रेनू। जब मैं पहले दिन यहाँ पर आई थी मंदिर में बहुत परेशान थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन माता रानी की इतनी दया हुई है, इतनी कृपा हुई है कि मेरा ऑपरेट भी हो गया ऋषिकेश एम्स में और अब मैं यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। माता रानी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे तंदुरुस्त मत्था टेकने के लिए बुलाया।